हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चिकन सा। आज हम लोडिंग और ग्लेजिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली ये क्या है? जनरली ये लोडिंग और ग्लेजिंग ग्राइंडिंग व्हील के डिफेक्ट्स हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले लोडिंग से स्टार्ट करता हूँ। लोडिंग में क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील जब वर्किंग कंडीशन में होता है, यानी ये वर्क पीस है और ये ग्राइंडिंग व्हील है, जैसे ये रोटेट हो रहा होगा तब तो वर्क पीस फिनिशिंग हो रहा होगा, मतलब इस तरीके से एजिस का उसका शार्प एजिस से फिनिशिंग कर रहा हो या कोई भी चीज़ तरीके से ब्लंट हो रहा हो, तब क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स वर्कपीस के मेटल का हो या मेटल का कोई भी चीज़ हो, वो एब्रेसिव दो एब्रेसिव्स के बीच में जाके फंस जाएंगे, जिसके से क्या है, हम अगली बार मशीनिंग करेंगे या फिर पॉलिशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील को यूज़ करेंगे, तब हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ग्राइंडिंग की। और क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील की यहाँ एफिशिएंसी कम हो गई, इसके अंदर के जो मेटल पार्टिकल्स आ गए वर्कपीस के। ओके, तो ये हो गया ग्राइंडिंग। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो ये ड्रेसिंग, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, अब आता है, इसके बाद आते हैं हम ग्लेजिंग के बारे में बात करते हैं। ग्लेजिंग क्या होता है? जनरली जिस तरीके से इसमें कैसे ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा था वर्कपीस पे, सेम इसी तरीके से होगा, पर इसके अंदर क्या होगा कि जो एब्रेसिव ग्रेन्स है वो ब्लंट हो जाएंगे। ओके, सेल्फ शार्पनिंग नहीं होंगे। ओके, सेल्फ शार्पनिंग मतलब कैसा कि जो ब्लंट एब्रेसिव ग्रेन से वो निकल जाते हैं, इसके नीचे जो शार्प एजिस वाले न्यू एब्रेसिव है वो बाहर आ जाते, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। क्यों? इसके अंदर ये बॉन्ड तोड़ नहीं पाता। तो इसके लिए भी सेम प्रिंसिपल है, इसको अगर सॉल्व करना हो तो ड्रेसिंग ऑपरेशन। ड्रेसिंग ऑपरेशन में कहते हैं कि ड्रेसर होता है जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है, और जैसे ग्राइंडिंग मिल घूम रहा होता है साथ में वो भी घूम रहा होता है, और साथ ही साथ वो ट्रूइंग भी कर देते हैं। ट्रूइंग भी एक तरीके का डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि वर्कपीस को हम कोई भी, यानी ग्राइंडिंग मिल को हम कोई भी जगह से शिफ्ट कर रहे तब उसका शेप चेंज हो जा रहा होता है, यानी इस तरीके से सर्कल है तो उसकी जगह कहीं से ब्रेक हो गया। तो ये सब डिफेक्ट्स भी हम ड्रेसिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना और शेयर करना मत भूलेगा।